हाय एवरीबॉडी, दिस इज आरजेबी हियर। और आज काफ़ी दिनों बाद एक रिएक्शन वीडियो को लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं एडिटिंग नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था और इसकी वजह से मैं काफ़ी कुछ नहीं कर पाया हूँ। इस बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था, अबाउट 3 to 4 weeks। और उसके बाद अब आज मेरा लैपटॉप ठीक है और अब मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। तो मॉर्निंग में यूट्यूब मैंने खोली और अपने YouTube के होम पेज पर मुझे एक ऐसी वीडियो दिखाई दी, ऐसा टाइटल दिखाई दिया कि जिसको देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं रोक नहीं पाया खुद को उसे सुनने से। मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी तक सुन चुके हों इसके बारे में, और जिन्होंने नहीं सुना है मैं उनको बता देता हूँ कि ज़ैन मलिक का गाना आया है और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने कवर किया है अल्लाह दुहाई है फ्रॉम रेस 3। तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है अपने आप में कि ज़ैन मलिक ने रेस 3 का गाना कवर किया है अपनी वॉइस में, और इसको सुने बिना भाई आखिर कौन रह सकता है। तो मैंने इस गाने को सुना एंड आई वॉज रियली स्टंट। शुरू में मेरे को लगा कि यार ये गाना जो है डिज़ास्टर होगा, और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने कैलाश खेर जी का सॉन्ग कवर किया था, सॉन्ग का नाम मुझे याद आ रहा है, अल्लाह के बंदे, राइट। तो इन्होंने सॉन्ग कवर किया था अल्लाह के बंदे, तो उस वक्त ये इंटरनेट पर सेंसेशन बन गए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने इनके उस एक्सेंट को और जो थोड़ा थोड़ा वो ऑफ नोट जा रहे थे, आउट ऑफ स्केल जा रहे थे, तो वहाँ पर लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। कुछ लोगों को लगे ये बहुत क्यूट, जो लोग सोचते हैं कि यार हाँ एक फॉरनर बंदा हिंदी में गा रहा है, उसका एक्सेंट सही नहीं हो पा रहा है तो उसको बंदे क्यूट बोल देते हैं, इंडियन गाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देन ही इज़ डिज़ास्टर्स। तो वहाँ पर लोगों ने इनको क्यूट बोला, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा वाला, लोगों ने बोला कि आपको हिंदी गाने नहीं गाने चाहिए, डोंट डू दैट अगेन, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर डन बाई पीपल। क्योंकि काफ़ी डिफरेंस होता है एक वेस्टर्न कल्चर के स्केल्स में, वेस्टर्न कल्चर के सिंगिंग स्टाइल में काफ़ी डिफरेंस होता है और इंडियन स्टाइल में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इन्होंने कोशिश की थी कि उसको इंडियन स्टाइल में गाए, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए थे सॉन्ग को। लेकिन ये जो इन्होंने गाना निकाला है, ये उन लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है जिन्होंने इनकी मजाक बनाई थी। गाइस, प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और मैं जानता हूँ कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, शायद कुछ लोग ये कमेंट करें कि ये ऑटो ट्यून्ड है, पर भाई ये ऑटो ट्यून बिल्कुल नहीं है। देखिए, थोड़ा बहुत पिच करेक्शन हर जगह होता है, इंडियन इंडस्ट्री में होता है, एवरीबडी डज दैट, ताकि नोट्स को थोड़ा सा और शार्प किया जाए। बट ऑटो ट्यूनर में और पिच करेक्शन में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप ये समझिए कि एक नंबर है 0.9, आप 0.9 को 1 करना चाहते हैं, देन वी यूज पिच करेक्शन। और ऑटो ट्यूनर की बात करें तो भाई हरियाणवी गाने सुन लो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या होता है। तो ये जो गाना है, ऑटो ट्यूनर बहुत कम यूज़ हुआ है इसमें, मतलब पिच करेक्शन बहुत कम यूज़ हुआ है, एंड आई कैन सी दैट ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस गाने में की है एंड दिस इज़ अमेजिंग। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं एंड लेट्स सी, इनके नोट्स को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से गा रहे हैं। और म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। तो इस गाने का म्यूज़िक जो है वो एक्चुअली सेम है जो कि रेस 3 में आया था अल्लाह दुहाई में, और उसी का इंस्ट्रूमेंटल है जिस पर इन्होंने इसको कवर किया है। वो म्यूज़िक बनाया था तुषार जोशी ने। तो तुषार जोशी जो हैं, मैं आई एम नॉट श्योर कि ये सेम तुषार जोशी हैं, बट तुषार जोशी का एक चैनल है यूट्यूब पर जहाँ पर ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और जो फिल्म स्कोरिंग है हांस जिमर के म्यूज़िक हैं उनका फ्यूजन बनाते हैं। जो चलिए सुनते हैं इस गाने को और लेट्स सी कि इसके म्यूज़िक के बारे में देखते हैं और सब कुछ देखते हैं कि क्या है इस गाने के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि सिंगिंग स्टार्टिंग हो गई है म्यूज़िक की। काफ़ी अच्छा विजुअलाइजेशन दिखाया उन्होंने वीडियो के अंदर, अमेजिंग बेस। तुषार जोशी ने बहुत अच्छा काम किया इस गाने पर, 808 का यूज किया है यहाँ पर। हर दफा तुझी पे मैं करीमा तबा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेंट में कि ज़ैन मलिक ने जो यहाँ पर गाया है, इनका एक्सेंट वही जो इनका अपना स्टाइल है, जो इनका अपना वेस्टर्न जो एक्सेंट है वो यहाँ पर दिख सकता है।
लेकिन ये यहाँ पर जो इंडियन नोट्स हैं, जो जिस वे में रियल में गाने को गाया गया है, उस तरीके से गा रहे हैं इसको ये। अमेजिंग अमेजिंग, इतना हाई नोट लिया है उन्होंने, अमेजिंग, मजा आ गया सुन कर। बहुत हाई गा रहे हैं। अल्लाह दुहाई है फिर बेवफाई है, मुश्किल रिहाई है तेरे प्यार में। अल्लाह दुहाई है फिर बेवफाई है, मुश्किल रिहाई है तेरे प्यार में। यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि ये ऑफ जा रहा है कि क्या, आई मीन जो इन्होंने यहाँ पर ये लिया है, ये मेरे को एक अरेबियन स्केल लगता है, जो अरेबियन सिंगिंग स्टाइल है, अरेबियन स्केल है। और हाँ, आपको मैं ये नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि काफ़ी टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं गाइस। जनरली क्या है कि काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स सिर्फ कुछ ही स्केल्स जानते हैं, लाइक मेजर एंड माइनर, लेकिन उनके अलावा कई सारे ऐसे स्केल्स हैं कि जो जिनमें नोट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। लाइक फ्रीजियन एक स्केल होता है, वो भी होता है। अरेबियन स्केल जो है उसके अंदर डिफरेंट नोट्स होते हैं, यानी कि अगर आप ए माइनर की बात करें तो ए माइनर में जो नोट्स होंगे, अगर ए का हम वही स्केल एक अरेबियन उसमें लें, या फिर हम अगर ए माइनर का फ्रीजियन भी लें, तो वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ नोट्स सेम रहेंगे, लेकिन कुछ नोट्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट हो जाते हैं, जो कि ए माइनर में यूजुअली नहीं मिलेंगे, लेकिन ए फ्रीजन में आपको जरूर मिल जाएंगे। सो मे बी दिस इज़ द डिफरेंस कि गाना जो है एक पर्टिकुलर स्केल में है, क्योंकि वही रेस थ्री का जो है म्यूज़िक है सॉन्ग का वही लिया हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना जो अरेबियन इनका स्टाइल है उसको इन्होंने यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। तो समहाउ थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को ये यू नो आउट ऑफ स्केल लगा है, तो मेरे को ऐसा यहाँ पर लग रहा है। बट आई थिंक इट इज़ अरेबियन स्केल, तो थोड़ा सा सुनने में अनयूजुअल लगता है। अगर म्यूज़िक में चेंजेस किए होते इसके हिसाब से, अरेबियन स्केल के हिसाब से, तो ये बहुत परफेक्ट लगता है यहाँ पर। लेकिन वो हरकतें बहुत अच्छी थी इनकी आवाज़ में, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तेरी फल भी आंखों से बचाए लीला ही, मासूम चेहरे में छुपाए की राज है, रेस मेरी सांसों की ले आएगी तबाही। शुकू भी तू नशा भी तू है, शौक भी मेरा है, सिर पे जरावे में जुनून है तेरा। शुकू भी तू नशा भी तू है, शौक भी मेरा है, सिर पे जरावे में जुनून है तेरा। कोरस है उसमें इन्होंने कैसे किया है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं इसको फिगर आउट कर पा रहा हूँ, इट्स लाइक अ क्वायर कि यहाँ पर कोरस पार्ट में इनकी अपनी खुद की वॉइस को काफ़ी बार डुप्लीकेट किया गया है, ताकि ऐसा एक इफेक्ट आए कि काफ़ी सारे लोग मिलकर इसको गा रहे हैं। सो दिस इज़ द इफेक्ट हियर। और इसके साथ साथ इन्होंने बीच में मिडल में जो मिडल पार्ट होता है, जो एक सेंटर होता है हमारे कंप्लीट रूम का, मिक्सिंग रूम का, तो उसके सेंटर में इन्होंने थोड़े थोड़े अपने वोकल्स अलग दिए हैं, जो कि एक सेम स्केल में होते हैं बट डिफरेंट नोट्स होते हैं, तो ताकि इनके बीच में आपस में एक डिफरेंशिएशन हो सके। और जो ये मल्टीपल वॉइसेस हैं और जो एक वो मिड की वॉइस है, ये एक दूसरे से थोड़ी सी अलग लगे। वैसे मैंने रियल सॉन्ग सुना नहीं है, ये रियल सॉन्ग कैसा है, बट ये मेरे को सुनने में बड़ा अच्छा लगा।
end of the song. अच्छा गाना था भाई ये, और मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ इस सॉन्ग के बारे में कि इट डजेंट मैटर कि इनका एक्सेंट इसमें क्या रहा है, व्हाट आई यूजुअली सी इज द सिंगिंग स्टाइल, कि जो बंदे के गाने का तरीका है वो कैसा है, वो क्या क्या उसमें नोट्स ले रहा है। तो यहाँ पर इनकी अपनी स्किल्स दिख सकती हैं इस गाने के अंदर, जो इन्होंने इन्होंने इसमें हाई नोट्स को भी रीच किया है, इन्होंने फ्लैट नोट्स भी नहीं लिए हैं, इन्होंने जो जिसे हम कहते हैं आलाप मुरकी काफ़ी चीज़ें इन्होंने की हैं इस गाने के अंदर। और एक दो जगह मुझे लगा ऑफ है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो शायद वो ऑफ नहीं है, क्योंकि ऑफ तो नहीं हो सकता, इट्स इसको ऑफ कहना सही नहीं भी होगा। डिफरेंस क्या है कि इन्होंने यहाँ पर इसको अरेबियन स्टाइल में गाया है थोड़ा सा उन आलाप को, और वो जो म्यूज़िक है वो उसके हिसाब से नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो हमें सुनने में काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ पर ये ऑफ हो गया है, बट इट्स अ बिग स्टार एंड ही कैन डू दैट। वो चाहते तो ऑटो ट्यून से सही कर सकते थे, बट ही डिडंट डू दैट, क्योंकि वो इनका अपना स्टाइल है और वो सही है, टेक्निकली वो सही है। तो गाइस दैट वाज माय रिव्यू अबाउट दिस सॉन्ग, और भाई मुझे तो ये गाना बहुत अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है कमेंट करें, जरूर करें, और इस गाने के बारे में बताएं कि आपको कैसा लगता है। और मेरा तो कहना यही है कि भाई ज़ैन मलिक जी को एक गाना बॉलीवुड में आके दे देना चाहिए किसी मूवी के अंदर। अब तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट बाहर से आ रहे हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, डिप्लो हैं और एकॉन भी आए हैं यहाँ पर इंडिया में, उन्होंने गाना गाया है, और अभी डिप्लो ने एक विशाल शिखर के साथ में भी सॉन्ग किया है। तो जो सिंगर्स हैं इंडिया से बाहर से, वो लोग यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं और बॉलीवुड में बॉलीवुड के आर्टिस्ट के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़ैन मलिक को भी करना चाहिए, और शायद इनका प्लान हो, क्योंकि ये बॉलीवुड सॉन्ग को इन्होंने सेकंड टाइम पे कवर किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आएंगे। तो भाई ये था मेरा रिव्यू, और जिन लोगों को लगता है कि ये इंडियन गाने नहीं गा सकते, तो भाई ये मिसकंसेप्शन निकाल दो माइंड से, और ये ऑटो ट्यून तो नहीं है। गाइस हैव अ नाइस डे, और इसके इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो भाई जिनको पूरा गाना सुनना है वहाँ पर जाकर सुनिए, अपना ओपिनियन दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे, एंड बी ब्यूटीफुल यू। बाय बाय।